खबर रायपुर से है। पूर्व सांसद नंद कुमार साय का बड़ा बयान, बीजेपी को आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, सबकी समीक्षा करने की जरूरत है। नंद कुमार साय कह रहे हैं आक्रामक चेहरों को सामने रखकर पार्टी को मजबूत किया जाए, सुदूर क्षेत्रों तक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व सांसद नंद कुमार साय का बड़ा बयान ये सामने आया कि बीजेपी को आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, तो सबकी समीक्षा करने की जरूरत है नंद कुमार साय ये कह रहे हैं। तो आक्रामक चेहरों को सामने रखकर पार्टी को मजबूत किया जाए, तो सुदूर क्षेत्रों तक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत यहां पर है, यह कहा जा रहा है नंद कुमार साय की ओर से। तो नंद कुमार साय का बड़ा बयान कि आक्रामक चेहरों को सामने यहां पर रखा जाए, बीजेपी को आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, तो सबकी समीक्षा करने की जरूरत है नंद कुमार साय का यह कहना है। आक्रामक चेहरों को सामने रखकर पार्टी को मजबूत किया जाए, सुदूर क्षेत्रों तक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। समय अब नहीं है, हमको ये सारा बात भी चर्चा भी बहुत शीघ्रता से करनी चाहिए और कोई नतीजे पर पहुंच करके जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक सारे जगहों तक इसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, आप आक्रामक चेहरों का यहां पर जिक्र किया आनंद कुमार साय ने, क्या खास चेहरे की तरफ इशारा रहा, इसका ये मायने निकाल सकते हैं या फिर उन्होंने एक जनरल बात की? देखिए, पार्टी के भीतर मुखर नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं नंद कुमार साय और संगठन के भीतर भी संगठन की खामियों को लेकर पुरजो वकालत भी करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त काम कर रही है वो नाकाफी है सरकार बनाने के लिहाज से, और ये बखूबी मानते हैं नंद कुमार साय। नंद कुमार साय इसी बात को एक दफे फिर दोहराते नजर आ रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने। उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी के भीतर जिस तरीके से एक आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है वो पार्टी के पास नहीं है, और जब तक बीजेपी आक्रामक नेतृत्व के बूते लड़ाई नहीं लड़ेगी राजनीतिक तौर पर तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। और बीजेपी की तरफ सीधे सीधे नंद कुमार साय का इशारा, एक तरफ से ये कहा जाए कि विष्णु साय बीजेपी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके भीतर आक्रामकता नहीं है, आक्रामक नेतृत्व तो नहीं है, या सीधा आशय इस बात को लेकर के लगाया जा रहा है कि नंद कुमार साय की निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण कड़ी अब बीजेपी के भीतर जुटी दिख रही है, इस बात को लेकर वकालत शुरू हो गई है कि बीजेपी में एक आक्रामक नेतृत्व दिया जाए। हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि संगठन के भीतर दो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर भी लगातार रायशुमारी हो रही है। हालांकि इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच नंद कुमार साय के बयान को कितनी महत्ता बीजेपी के भीतर मिलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।